mais avant tout, faut bouger la tête. What's up guys, this is Ashish Thakur from Mission Natural Fitness, a certified nutrition expert, sports nutritionist and a certified natural bodybuilder. So guys, today I'm talking about girls fitness. Yes, shocked. आज मैं सिर्फ गर्ल्स के लिए टॉपिक कवर करने जा रहा हूँ गाइस, बिकॉज इट्स अ वेरी बिगेस्ट रीज़न दैट गर्ल्स नेवर कंट्रोल अवर बैली फैट. गर्ल्स अपना बैली फैट को कंट्रोल नहीं कर पाती है. सो क्या व्हाट रीजंस एंड व्हाट प्रिकॉशंस दे यूज्ड. टुडे आई एम ओनली कवरिंग अ प्रिकॉशंस टॉपिक, नॉट अ फुल टॉपिक. नेक्स्ट वीडियो में मैं टोटल एक्सरसाइज से रिलेटेड टॉपिक कवर करूँगा. एंड दिस टाइम अभी इस वीडियो में मैं सिर्फ आपको ये बताऊँगा कि व्हाट प्रिकॉशंस यूज्ड. फर्स्ट हम प्रिकॉशंस यूज़ करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट. सो इसका बिगेस्ट रीज़न क्या है बैली फैट का? उससे भी पहले इसका बिगेस्ट थाई फैट, जो सबसे बड़ी चीज़ है थाई फैट. थाई फैट का रीज़न क्या है, हमारी थाई फैट का, गर्ल्स की थाई फैट का बिगेस्ट रीज़न क्या है? गलत फहमी मत पालो that your diet is the biggest reason for your belly fat and thigh fat. It's not a biggest reason. This is also a reason but not a biggest reason, because it's your monthly basis time, your monthly time. That means your monthly periods time. Minimum length jo hoti hai wo 25 to 28 days ki hoti hai. But if they are cross this limit, that means your imbalancement of your periods time, your imbalancement of your monthly time. So what precautions they can used? और इसी का यही एक बेसिक, ये बहुत बड़ा रीज़न होता है कि इसी की वजह से गर्ल्स की थाई एरिया बहुत लार्जर हो सक जाती है, बहुत लार्जर दिखती है, उन्हें उठने में दिक्कत आती है, पेन होता है. तो वो क्यों होता है, इसके लिए क्या प्रिकॉशंस यूज़ करने जाने चाहिए, और उसका असर फिर कहाँ होता है, हमारी बैली साइड एब्डोमिनल बैली फैट पर, साइड बैली फैट पर. सो व्हाट प्रिकॉशंस यूज्ड. फर्स्ट ऑफ ऑल, गलत फहमी मत रहो डेट योर डाइट इज़ द बिगेस्ट रीज़न. हैवी डाइट इज़ द बिगेस्ट रीज़न, इट्स नॉट अ बिगेस्ट रीज़न, इट्स ऑल्सो रीज़न बट नॉट अ बिगेस्ट रीज़न. बिकॉज अगर जहाँ लड़कियाँ चार चपाती खाती है, दो चपाती खाती है, तो उसमें क्या हमें डिवाइडेशन करना पड़ता है गाइज, डिवाइडेशन करना पड़ता है गर्ल्स. दैट मीन्स सुबह अगर आप हैवी डाइट ले रहे हो, देन आप डिनर में थोड़ा लाइट डाइट लीजिए. डेट मीन्स लाइट मीन्स सुबह आप अगर आप रोज़ाना सुबह चार चपाती खा रहे हो, तो एट नाइट आप लाइट डाइट में दो चपाती खाइए, और सैलड ज़्यादा यूज़ कीजिए. सैलड से आपका स्टमक क्लीन रहेगा, सुबह आप जल्दी से फ्लश कर सकते हैं जो भी आपने खाया है. सो सैलड ज़्यादा यूज़ लें. जोर आता है, सबको आता है, गर्ल्स को ज़्यादा आता है, बट प्लीज़ ये बिगेस्ट रीज़न नहीं है. सो प्लीज़ सैलड ज़्यादा यूज़ करें, ताकि आपका आपका बॉडी फैट, आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल, आपका गुड कोलेस्ट्रॉल लेवल जो है वो कंट्रोल है, आपका बैड कोलेस्ट्रॉल लेवल जाए और गुड कोलेस्ट्रॉल लेवल टिका रहे. सो गलत फहमी मत रहना कि आपकी डाइट बिगेस्ट रीज़न है. नेक्स्ट, डाइट में भी क्या चीज़ है जो आपकी बिगेस्ट रीज़न है और बिगेस्ट रीज़न नहीं है? योर फास्ट फूड, जो आप फास्ट फूड लेते हैं, वो सबसे बिगेस्ट रीज़न होता है. जो आप चपाती खाते हैं घर की, इट्स नॉट अ बिगेस्ट रीज़न. तो फास्ट फूड में क्या खाते हो? चाउमीन, बर्गर, पास्ता. यू नो गाइस, जब आप ये खाते हैं, तब आप ये मान के चलिए 100 ग्राम में आप 500 कैलोरी कंज्यूम कर लेते हैं, 100 से 200 ग्राम के अंदर. तो 500 कैलोरी बहुत ज़्यादा होती है, बहुत ज़्यादा होती है, जो असर करती है. उसके बाद हम ना वॉक करते, हम ना हम ना ग्रीन टी लेते, हम ना ब्लैक कॉफ़ी पीते, हमारे जो हमारे स्ट्रेस हार्मोन है उसको उसको एक्टिव रखने के लिए ना हम ब्लैक कॉफ़ी पीते हैं, ना हम ग्रीन टी पीते हैं. तो ये चीज़ मत कीजिए. ग्रीन टी भी, उसका भी एक टाइम होता है पीने का, वो मैं अपने नेक्स्ट टू नेक्स्ट टॉपिक में कवर करूँगा. अभी मैं सिर्फ प्रिकॉशंस के बारे में ही वीडियो बना रहा हूँ. सबसे पहले आप अपनी डाइट, जो भी आप फास्ट फूड, अवॉइड द फास्ट फूड, नॉट टोटली, टोटली नॉट अवॉइड टोटली, ट्वाइस अ वीक और वंस अ वीक, दैट्स इट. डेली बेसिस पे इसको खाने के जैसे यूज़ मत ले. चपाती जहाँ आप यूज़ लेते हैं सुबह, सुबह अगर चार खाते हैं, तो शाम को आप कोशिश कीजिए कि चार नहीं खाइए, ज़्यादा भूख लग भी रही तो सैलड से उसको सैलड यूज़ करें, दो चपाती खाइए, ठीक है.
सेकंड चीज। थर्ड चीज, रीज़न क्या है कि आपके जो पीरियडिक टेबल है, जो आपका मंथली बेसिस जो टाइम है, वो आपका इंबैलेंसमेंट हो रहा है। द रीज़न इज़ योर नॉट प्रॉपर योर डाइट, योर चपाती डाइट, नॉट अ फास्ट फूड डाइट। कन्फ्यूज नहीं होइएगा, आपकी जो चपाती डाइट है वो आप क्या करते हैं, आपके अंदर गर्ल्स आप में ये हो जाता है कि भाई सब ने आपके दिमाग में ये बिठा देगा कि योर डाइट इज़ द बिगेस्ट रीज़न, बट इट्स नॉट अ बिगेस्ट रीज़न। आप चपाती खाइए, चपाती खाइए, लेकिन उसका भी एक कंट्रोल लेवल है। अगर आप सुबह ज़्यादा खा रहे तो नाइट में आप उसे कम खाइए, सैलड ज़्यादा यूज़ लीजिए, हरी सब्ज़ियाँ ज़्यादा खाइए, ग्रीन वेजिटेबल्स ज़्यादा यूज़ करिए, सीजनेबल वेजिटेबल्स ज़्यादा यूज़ करिए। अभी गर्मी का टाइम है, मेथी पालक, इट्स ऑल अबाउट। अगर अच्छा नहीं लगता तो खाना स्टार्ट कर दो, करेला भी, तो उससे ये होगा कि आपकी कोलेस्ट्रॉल, जो बैड कोलेस्ट्रॉल लेवल है वो कटेगा थाई एरिया का, एंड जो आपका बेली फैट का एरिया है उसमें आप जब अगर कोई भी एक्सरसाइज करते हैं तो आप इजीली फ्लेक्सिबली मूवमेंट कर सकते हैं। अदरवाइज़ अगर आप करते हैं तो आपको पेन ज़्यादा होगा, कर लोगे बट पेन ज़्यादा होगा। उस पेन रिलीफ के लिए हमें प्रिकॉशंस यूज़ करने पड़ रहे हैं इस टाइप के। चपाती खाइए बट सुबह कम, नाइट में लाइट, सुबह हैवी ले ली तो नाइट में लाइट लेनी है हमें। एंड नेक्स्ट, अवॉइड फास्ट फूड्स, एक बार के लिए पूरी तरह से अवॉइड कीजिए उन्हें, ज़्यादा नहीं खाइए। हम बॉडी बिल्डर्स भी अवॉइड करते हैं, कल मैंने एक बर्गर खाया, मैं जानता हूँ मेरा क्या हालत हुई सुबह सुबह, क्योंकि मैं एप्स की एक्सरसाइज नहीं मार पाया तो उस वजह से मेरे से नहीं हो पाई, देन मुझे फाइनली छोड़नी पड़ी वो एक्सरसाइज। तो काफ़ी असर करती है, वो असर करती है हमें थाई एरिया पे, हमारे हमारे स्टमक पे, हर जगह असर करती है। तो प्लीज़ अवॉइड कीजिए फास्ट फूड को, यूज़ करें, टाइम से नींद लीजिए। थर्ड थिंग इज़ स्लीपिंग टाइम, योर स्लीपिंग टाइम हम ये छोड़ना पड़ेगा। आपका जो ये जो रीज़न है थाई एरिया, और जो क्योंकि इसमें ये बिगेस्ट रीज़न होता है, आपका बेबी बोन में भी दिक्कत आ सकती है। सो प्लीज़ सही टाइम पे सोए, सही टाइम पे उठे, एटलीस्ट सात से आठ घंटे की नींद जरूर लें। डाइट कॉन्शियस रहे बिल्कुल, ज़्यादा फैट कंज्यूम ना करें, प्रोटीन कंज्यूम कर सकते हैं। मैं प्रोटीन के लिए अपने नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा व्हाट प्रोटीन यू कैन यूज़ इन योर डाइट, और इस टॉपिक में खाली प्रिकॉशंस हम बता रहे हैं। और फाइनली मैं ये कहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा ग्रीन वेजिटेबल्स यूज़ लें, ज़्यादा से ज़्यादा सैलड यूज़ लें, और ज़्यादा से ज़्यादा अगर आपको अगर मिल्क पसंद नहीं है दूध, तो उस दूध को पीना स्टार्ट कर दीजिए, चाहे आप गर्म पीते हैं या ठंडा पिए, लेकिन उसको पीना स्टार्ट कर दीजिए। बिकॉज़ अगर आप हेल्थ कॉन्शियस हैं, अगर आप आप अपनी डाइट से अगर फैट को हटा रहे हैं पूरी तरह से, तो वो लैक्टोज के थ्रू, यानी कि जो शुगर जो इंक्लूड है उसके अंदर, उसमें दूध में, उसके थ्रू आपको थोड़ा बहुत फैट जरूरी पड़ता है। थोड़े बहुत हर चीज़ की हमें ज़रूरत पड़ती है हमारे बॉडी को कंजप्शन की, तो उस इस्तेमाल करें मिल्क का एक टाइम या फिर दो टाइम, जैसे आपको अच्छा लगता हो तो दो टाइम, नहीं तो एक टाइम यूज़ करें। मैं यही कहूँगा एक टाइम यूज़ करें, दो टाइम यूज़ मत करें, क्योंकि इसमें फिर 250 ml या फिर 100 के अंदर वो जो कॉफ़ी कप होता है उसमें भी आपके 4 से 5 ग्राम फैट आ जाता है। सो एक टाइम यूज़ करें, दूध भी पीना स्टार्ट करें। तो ये मेरी छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी, तो आई होप आपको पसंद आई होगी इन्फॉर्मेशन। एंड प्लीज़ अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, नहीं पसंद आया तो टेस्ट चेंज कर दो अब। सो ऑलराइट गाइस, दिस इज़ आशीष ठाकुर, योर फिटनेस फ्रेंड, एंड मेक श्योर टू लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट बिलो। कोई भी आपका क्वेश्चन हो देन कमेंट बिलो। दैट्स इट गाइस, साइन आउट।